नमस्कार, हम हैं ईशानी और रवा लोगन के स्वागत बा लाइव सिटीज के भोजपुरी बुलेटिन में। तो चलिए शुरू कर जाओ खबरन के सिलसिला। पटना में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के याद में प्रार्थना सभा, शामिल होगलन राज्यपाल सत्यपाल मलिक और सीएम नीतीश, अन्य पार्टी के नेता भी रहलन मौजूद। प्रार्थना सभा में शामिल बारे सभी धर्म के प्रतिनिधि। बिहार के घटना पर तेजस्वी यादव के तंज, सीएम नीतीश कुमार पर सदलन निशाना, कहलन मानवता और संवेदना बाचल बात, तुरंत राजभवन पहुंचस नीतीश जी। भोजपुर के बिहार मामला पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के गरम बयान, कहलन बिहार में लागो राष्ट्रपति शासन, सीएम नीतीश कुमार पर सदलन निशाना, बोलन नीतीश में खत्म हो गए बा नैतिकता। बिहार कांड के बाद आरा में भारी पुलिस बल के तैनाती, लगातार हो रहल बा पुलिस के फ्लैग मार्च, हर पहलू पर नजर रख रहल बिया पुलिस, घटना के बाद हालात काबू में। बिहार मामला पर एडीजी एसके सिंघल देलन बयान, कहलन फुटेज के आधार पर हो रहल बा कार्रवाई, मॉब लिचिंग के घटना से कहलन इनकार, बोलन 15 लोग भइल बारे अरेस्ट। मुजफ्फरपुर मामला के बाद बिहार सरकार लेलस बर एक्शन, बिहार में शेल्टर होम के संचालन खातिर चुनाइल 50 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन भइल रद्द, 2-3 महीना में शेल्टर होम के संचालन अपना हाथ में ले ली बिहार सरकार। पटना के मोकामा में विजिलेंस के बर्ड एक्शन में नपा गए ले बीडीओ साहेब, बिल पास करे के एवज में जयवर्धन गुप्ता लेत रहले घूस, 1,00,000 कैश के साथ गिरफ्तार कैलस निगरानी के टीम। नालंदा में सामने आयल हैवानियत, रेप में सफलता ना मिलल तब महिला के जिंदा जला दिलन दबंग, गंभीर हालत में महिला कैल गए पटना रेफर, मामला के जांच में जुटल पुलिस। मोतिहारी में इंसानियत शर्मसार कर देवे वाली घटना, 7 साल के बच्ची से बलात्कार, रेप के बाद सड़क पर तरपत छोड़ आरोपी भइल फरार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाएल गए मासूम के। भोजपुरी एक्टर मोनालिसा के फोटो हो रहल बा वायरल, इंस्टाग्राम पर शेयर कैली हस्बैंड विक्रांत सिंह राजपूत के साथ फोटो, लोग दे रहल बा हैप्पी लाइफ के शुभकामना। तो ई रही आज के भोजपुरिया समाचार। खबरन के अपडेट खातिर जुड़ल रही livecities.in के साथ। नमस्कार।